Alright, so you have already read the title of this video, thumbnail of this video. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी लड़की के खिलाफ कोई पर्सन या कोई महिला रेप का केस फाइल कर सकती है? By the way, answer of this question is after intro. But पहले मैं आपको इस वीडियो का मोटिवेशन बता देता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस क्या है बनाने के लिए. तो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले हमने क्या किया था, एक वीडियो अपलोड किया था गर्लफ्रेंड के रिगार्डिंग, कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले जानिए कुछ कानूनी बातें, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उस पर कुछ पर्सनल कमेंट्स आए इस रिगार्डिंग कि क्या कभी किसी लड़की पर भी रेप केस हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. So, okay. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक कंसेप्ट बता देता हूँ. इस कंसेप्ट को समझने से पहले, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जो आगे की लाइंस हैं वो काफी अच्छे से समझ में आएगी. तो लॉ में एक प्रोविजन होता है अबेटमेंट. अबेटमेंट मीन्स होता है उकसाना, किसी को बहकाना, उकसाना उस काम के लिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उकसाना. सपोज मैं हूँ और कोई एक पर्सन है, गॉट इट, वो मुझे उकसाता है कि आप उसके घर में चोरी कर लो. वो उकसाता है, वो मुझे बोलता है, उकसाता है मुझे, इतना एनफोर्स कर देता है और मैं क्या करता हूँ, गुड फेथ में चोरी कर देता हूँ. एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस उसने मुझे उकसाया. तो ऐसे में क्या है, ऐसे में पनिशमेंट होगी किसको, उसको, मुझे नहीं, उसे होगी. अगर प्रूफ हो गया तो उसे पनिशमेंट होगी. और पनिशमेंट कितनी होगी, जितनी सेम, जितनी चोरी की है उतनी पनिशमेंट होगी. जैसे कि 3 साल चोरी की ऑफेंस में पनिशमेंट होती है, तो उस पर्सन को 3 साल के लिए पनिशमेंट होगी. गॉट इट. अब हम बात करते हैं रेप की. तो ऐसी रेप डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, यानी कि आप डायरेक्ट रेप का केस कर नहीं सकते, लेकिन अबेटमेंट फॉर रेप का केस फाइल कर सकते हो. सपोज कोई गर्ल है, वो एक बॉय पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बहकाती है, उसे एनफोर्स करती है, उसे अबेटमेंट कर दिए कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर. तो बॉय बिल्कुल इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता, वो उसके बहकावे में आके कर देता है. तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बॉय है वो अबेटमेंट फॉर रेप के लिए केस फाइल कर सकता है. गॉट इट. तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ महिलाओं पर भी अबेटमेंट फॉर रेप का केस फाइल हो जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा, एक लड़की है, सपोज एक गर्ल है, एक बॉय है, तो गर्ल की कुछ सहेलियां हैं, तो उसकी सहेलियां उस पर्सन को, उस गर्ल को उस लड़के से मिलाती हैं और उस लड़की को बोलती हैं कि इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ऐसे में क्या होगा, उन लड़कियों ने उस लड़की को बहकाया सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए. तो ऐसे में क्या होगा, उन्हें अबेटमेंट फॉर रेप का केस उनके खिलाफ फाइल होगा. तो लड़की के ऊपर भी रेप का केस फाइल हो सकता है, बट इन इनडायरेक्ट वे. गॉट इट. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो दैट्स बीइंग क्लियर, आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर. एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस, सजेशंस, एनीथिंग, मोस्ट वेलकम. Bye.